मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को प्रेम भरी बधाई। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। कारण क्या है? इस साल के आखिरी दिन में हम आ गए हैं और परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। बहुत बड़ा भाग्य की बात है, इस साल को परमेश्वर ने भलाई से रचा है। बहुत सारी महामारियां, बहुत सारे कष्ट, बहुत सारे कठिन परिस्थितियां, सभी जो परमेश्वर हमारे साथ रहा और हमें चलाता रहा, इन सभी चीजों में परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ रहा है। उसकी स्तुति हो, उसको धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा हो। मेरे प्रिय लोगों, मेरे मन में एक प्रकटन या एक ऐसा वचन जो मुझे उत्साह से भरपूर करता हुआ है, लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय, लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय और 49वां वचन, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है। इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए, हम क्या कह सकते हैं? शक्तिमान परमेश्वर महिमाजनक कामें, बड़े बड़े काम मेरे लिए किए। मेरे साथ मिलकर आप सब कहिए, 31वें तारीख में हम आ गए हैं। आप सोच सकते हैं कि इस साल की तरह दुख भरा, वेदना से भरा, कठिन साल कभी नहीं रहा है परमेश्वर। और कुछ लोग कहेंगे कि इस साल की तरह परमेश्वर ने पल में कितना अद्भुत काम किया। इस साल के आखिरी दिन में हम आ गए हैं परमेश्वर के लोगों। मैं आपको कहता हूं, जिंदगी जो एक चक्रव्यूह की तरह है, घूमता रहता है, पर ऊपर रहें या नीचे रहें, वह सदा हमारे साथ रहता है। दुख भरी कहानियों में, नष्टों में, गरीबी, सभी चीजों में परमेश्वर हमारे साथ रहा। वह हमारा परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। बड़े बड़े काम, महिमाजनक काम उसने किए। लगातार उसकी स्तुति करते रहिए। नए साल में और बड़े काम आप देखने लगोगे, क्योंकि अब तक जो उसने हमें चलाया, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जो आखिर तक उसने हमें चलाया है, आमेन, आमेन, और आगे और हमें चलाता रहेगा। आप चलते हो, बात करते हो ना, आमेन। कुछ लोगों के पास विश्वास होगा, कुछ लोगों के विश्वास नहीं होगा। आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हो ना, इस कारण परमेश्वर आपको और बढ़ाता रहेगा। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की स्तुति करके, हाथ उठाकर मेरे साथ मिलकर। मेरे प्रिय लोगों, हे परमेश्वर, इस साल को तूने अपनी भलाई से तूने मुकुट बनाकर रचा है। शक्तिमान परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं, महिमाजनक काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है, उसका नाम पवित्र है। परमेश्वर की स्तुति हो। मरियम के वचन के अनुसार हम तेरी स्तुति करते हैं, हे परमेश्वर। इस साल के आखिरी दिन में पवित्र आत्मा हमारे साथ रहकर, हमारे हाथ पकड़कर हमें चलाया। कुछ हादसों में, जो है बहुत ही गहरे खड्डों की परिस्थितियों में, अपने कंधों पर तूने उठाकर हमें संभाला, हमें हाथ पकड़वा कर चलाया, हमारे आंसुओं को पोछा और हमें साहस से भरपूर किया। अब तक तूने हमें चलाया और आगे और हमें चलाने वाला है, और चलाने वाला है, और आगे चलाने वाला है। इस संतोष के साथ हम तेरी स्तुति करते हैं। सबसे बढ़कर है परमेश्वर, अगर तेरी इच्छा हो हमारे जिंदगी में एक और नए साल में प्रवेश करने के लिए, प्रार्थना करने वाले सभी बच्चों को तू अनुग्रह से भरपूर कर। 2022 में तेरे बच्चों को भलाई और करुणा सदा पीछा करता रहे। भार के साथ मैं प्रार्थना करता हूं, अभी जिन जिन लोगों का नाम बोलकर प्रार्थना करते, उन सभी लोगों के ऊपर तेरा अनुग्रह, तेरी शांति बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमारे पिता, आमेन, आमेन। परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रिय लोगों, यह पूरा दिन, इस पूरे दिन में जो परमेश्वर की अच्छी तरह स्तुति कीजिए, शाम को जो आराधना में भाग लीजिए, बहुत बड़ी अपेक्षा के साथ परमेश्वर के पास से प्रतिज्ञाएं आप पाते रहें, परमेश्वर के साथ लगातार आप चलते रहें, लगातार आप परमेश्वर के वचन में बने रहें। परमेश्वर की इच्छा हो तो नए साल में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों,
आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा। और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।